हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलंबिया फुटवेयर्स के बारे में कि किस तरह के फुटवेयर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं एंड किसका क्या फ़ायदा है। तो जैसे कि पिछली बार हमने कहा था कि आउट ड्राई, तो हम आउट ड्राई सेलेक्ट कर लेते हैं, साथ में ये ओमनी टेक है इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, साथ में कौन सा एक शूज़ है, चलो ये एक सेलेक्ट कर लेते हैं, साथ में एक मॉन्ट्रेल इनका जो शूज़ था इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज हम बात करते हैं कोलंबिया फुटवेयर्स के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी कहा था कि हम लोग फुटवेयर के बारे में बात करेंगे, तो मैंने रैंडमली तीन फुटवेयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। ये इनका रनिंग का शूज़ है, मॉन्ट्रेल नाम है इसका। ये हाइकिंग और ट्रैकिंग का शूज़ है एंड ये भी हाइकिंग एंड ट्रैकिंग का शूज़ है, लेकिन आप देख सकते होंगे कि शूज़ की जो हाइट है, इसकी जो हाइट है ये थोड़ी सी कम है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। अब रीज़न इसका ये है, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 1 to 2 days के अगर ट्रैक के लिए जाते हैं, कोई प्लेन जगह में अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा आप इस तरह के शूज़ यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू कोई क्लिफ तरह की चीज़ें, या फिर कोई आप माउंटेन में अगर क्लाइंब करने जा रहे हैं, या फिर रफ टेरेन है एंड देन आपके पीठ में वेट लदे हुए हैं, तो फिर आपको ये शूज़ यूज़ करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जो इसका मिड एंकल ही शूज़ है एक्चुअली में, इसका जो ये हाई एंकल होता है ना, तो इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप इसको लेस पूरा टाइट से बांध लेंगे ना, तो आपका जो फुट में ना पूरा एक सपोर्ट देगा ये वाइल्ड क्लाइंबिंग। आप जब भी कभी ट्रैकिंग में जाते हैं, अगर आप ये अगर यूज़ करते हैं इस तरीके से, आपको दोनों में फ़र्क पता चलेगा। दोनों शूज़ को अगर आप लेते हैं ना, तो दोनों में आपको फ़र्क पता चलेगा कि ये कितना यूज़फुल है और ये कितना ही बेकार। एनीवेज, कोई शूज़ बेकार नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इनमें टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें दिया हुआ है आउट ड्राई, ये लिखा हुआ है यहाँ पे आउट ड्राई, एंड इसमें तो वैसे लिखा नहीं है, बट इन्होंने बताया था मुझे कि ये है ओमनीटेक टेक्नोलॉजी। तो ओमनीटेक टेक्नोलॉजी ये होता है कि इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें उसको अंदर में स्टिच करके बनाया जाता है वाटरप्रूफ। साथ ही साथ में वो इन कंपैरिजन टू आउट ड्राई थोड़ा सा कम वाटरप्रूफ होता है और कम ब्रीदेबल होता है, लेकिन आउट ड्राई उससे कंपैरिजन में बहुत हाई एंड शूज़ है। आउट ड्राई की जो वाटरप्रूफिंग की टेक्नोलॉजी है वो वन ऑफ द टॉप है इन द मार्केट, बहुत कम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी है ये वाली। इसमें जो आउट ड्राई होता है, इसमें क्या होता है कि एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, उसको पूरे इंटायर शूज़ के अंदर में स्टिच किया गया है, यानी कि पेस्ट किया गया है उसको हीट दे के शूज़ के साथ में। उसके बाद उसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत हल्का होता है और साथ में ब्रीदेबल होता है। लोगों के एक मिथ है, मैं बता रहा हूँ मैंने देखा है, वो कहते हैं कि वाटरप्रूफ शूज़ है डैट मीन्स अंदर हवा नहीं जाएगा, मुझे पैरों से पसीना आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटली एक मिथ है। हाँ, अलग अलग टाइप के शूज़ होते हैं, कोई कोई शायद ब्रीदेबल नहीं होंगे, वो बात अलग है, बट मैक्सिमम जो हाइकिंग एंड ट्रैकिंग के जो शूज़ होते हैं वो मैक्सिमम ब्रीदेबल होते हैं और उसका ज़रूरत भी होती है। साथ ही साथ में आउट ड्राई का जो आप यूट्यूब में आप सर्च करके देख सकते हैं कितना ब्रीदेबल होता है ये वाला, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है कितनी ब्रीदेबल होती है, एंड दैट्स ए गुड थिंग टू बाई एक्चुअली, व्हाट आई मीन टू से। एंड सेकेंडरी, इनमें जो कुशनिंग यूज़ करते हैं कोलंबिया वाले, इट्स अ टैकलाइट। तो टैकलाइट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड रबर नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। अगर आप स्पोर्ट शूज़ के साथ इसको अगर कंपेयर करेंगे ना, तो क्या होता है कि ये ज़्यादा हार्ड होता है उनसे, लेकिन आप दूसरे अगर बूट वूट के साथ अगर कंपेयर करेंगे जो फैशनेबल या लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए जो यूज़ होता है, उससे सॉफ्ट होगा। मेन रीज़न ये है कि जब आप हाइक या फिर ट्रैक कर रहे हैं, तो कहीं आपका पैर ज़्यादा बैंड ना हो जाए सॉफ्ट कुशनिंग के वजह से, इस तरीके से कहीं बैंड ना हो जाए, मोच आ जाए, इसीलिए इसमें ज़्यादा हार्ड भी नहीं ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं दिया जाता है कुशनिंग। साथ ही साथ इनके मैं सोल्स देख सकता हूँ, ये जो रबर है ये इंडस्ट्रियल रबर है इनके एक्चुअली में, ये इनसे कभी कभी टायर में भी यूज़ होता है, टायर बनाने के लिए भी यूज़ होता है ये इस तरह के रबर। इसका ये फ़ायदा है कि ये एंटी स्लिप होते हैं, ये आपको वेट सर्विस में भी ग्रिप प्रोवाइड करेगा। आप इसमें भी देख सकते हैं, ये रनिंग शूज़ है इनका, इसका भी ग्रिप धमाकेदार है, मतलब ज़बरदस्त जूता है ये वाला,
मुझे तो बहुत पसंद है, बट ये वाटरप्रूफ नहीं है, आप क्या कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हैं इसमें लग्स कितने ज़्यादा हैं। जितनी ज़्यादा लग्स की हाइट होती है, इस जगह को हम लोग एक्चुअली लग्स बोलते हैं, ये जो ग्रिप दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग लग्स बोलते हैं। जितनी ज़्यादा लग्स की हाइट होती है ना, कहा जाता है कि इतने ही अच्छे ग्रिप होते हैं। तो आप इनके लग्स की जो हाइट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लग्स दिए हुए हैं। जितने ज़्यादा लग्स और जितनी ज़्यादा हाइट, इतना ही ज़्यादा ग्रिप। ये इनके रनिंग शूज़ हैं, ये आपके ट्रेल रनिंग शूज़ है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें एक्चुअली ब्लैक कलर है तो पता नहीं चल रहा इतना अच्छे से, ब्लू में देखिए आप, ये देखिए अभी आपको पता चल रहा होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि एक शूज़ कितना ही ज़्यादा मतलब अच्छा है ये वाला जूता। साथ में इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे केज दिया गया है, जो केज है ना ये यहाँ पे पूरा सपोर्ट करता है। अगर आप कहीं पे बहुत दूर विहड़ों में अगर है, अगर आपको लगता है कि आपका ये खुल जाएगा तो ये गलत है। किसी भी हाइकिंग ट्रैकिंग शूज़ में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है। और मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कभी यूज़ भी करते हो ना इस तरह के शूज़, तो आप देख लीजिएगा हमेशा कि उसकी केज कैसी है। साथ ही साथ में इसमें टो प्रोटेक्शन दिया हुआ है, इन शूज़ में टो प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ये इसमें नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा सॉफ्ट है, इसका इसको लाइट वेट बना रहा था इनको, ये रनिंग शूज़ है तो इसमें टो प्रोटेक्शन दिया नहीं गया है, बट इनमें दिया गया है टो प्रोटेक्शन। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप कहीं पे अगर हाइक ट्रैक कर रहे हैं, वहाँ पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट है या फिर कोई पत्थर है जहाँ पे आपका अंगूठा टच हो जाए, इस तरीके से आप चिल्ला उठोगे, तो उससे बचाने के लिए आपको ये दिया जाता है। आपकी फिंगर्स पूरे के पूरे प्रोटेक्टेड रहते हैं, आप अपना ट्रैक इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही मैं एक चीज़ ब्रीदेबिलिटी के ऊपर बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको लग सकता है कि ये मैश का है, ये लेदर टाइप का है, तो दोनों में शायद कम, इसमें शायद कम ब्रीदेबल होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा ब्रीदेबल होगा। वैसे मैं एक बात बताऊँगा, सबसे ज़्यादा ब्रीदेबल, चलो मैश तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा सेकंड सबसे ज़्यादा ब्रीदेबल होता है आपका लेदर। एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपका जो स्किन है उसमें कितने सारे पोरस होते हैं, कि नहीं, उसमें होल्स होते हैं जिससे एयर आपको भी मिलता है अंदर में, है कि नहीं, आपको ठंडी लगती है उसके कारण। तो सेम चीज़ इसमें भी होता है, इसमें भी ब्रीदेबिलिटी दी जाती है, इसमें भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, बिकॉज इट्स अ लेदर, ये एक स्किन से बना हुआ है, जानवर के स्किन से। तो डेफिनेटली इसमें वो टेक्नोलॉजी होती है, इसमें वो चीज़ होती है जो हमें चाहिए, ब्रीदेबिलिटी। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके कुशनिंग के बारे में। अंदर की कुशनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है भाया। तो इसमें ऑर्थोलाइट दिया हुआ है, मैं देख सकता हूँ, ऑर्थोलाइट इको एलटी। ओके, ऑर्थोलाइट सबसे अच्छा है कि इसमें स्मेल ये सब नहीं करेगा, जब आप इसको बहुत लॉन्ग टाइम यूज़ करेंगे, पानी वानी घुस गया ऊपर से, उसके बाद भी अगर आप इसको पहन रहे पूरा दिन, ये स्मेल नहीं करेगा। एंड इको एलटी का मतलब ये है कि ये आपका इको फ्रेंडली है, ये प्रोडक्ट जो है, अंदर का सामान जो है, ये इको फ्रेंडली है। अगर आप इसको फेंक भी देते हैं तो ये नेचर को किसी तरह का हार्म नहीं करेगा। एंड चलिए अब फाइनली इस शूज़ के बारे में बात करते हैं। इसके हमने जो लग्स हैं, इसके जो आउटसोल है, उसके बारे में तो हमने बात कर ही लिया है, इंडस्ट्रियल रबर से बनाया जाता है। टैकलाइट दिया हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा इस शूज़ में आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, जो आपको पॉलीथीन जैसा लग रहा होगा, ये चिपका हुआ प्लास्टिक जैसा कुछ, ये एक्चुअली में सीमलेस करके इसको पेस्टिंग किया गया है, सिलाई कम किया गया है इसमें यूज़, इसको हीट से पेस्ट किया गया है इस कपड़े में, इस फैब्रिक में, ताकि शूज़ लाइट वेट हो, जितना कम हो सके इतना ही कम धागों का इस्तेमाल किया गया है। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे भी, इसकी वजह से क्या होता है कि शूज़ बहुत लाइट हो जाता है, इसमें भी ऑर्थो इको दिया गया है, शूज़ बहुत लाइट वेट हो जाता है और ईजी टू रन होता है। वैसे शूज़ के बारे में बोलने के लिए इतना तो कुछ है नहीं, मैं मेनली इन दो शूज़ के बारे में बताना चाहता था, लो एंकल हाई एंकल में क्या फ़र्क है, आउट ड्राई ओमनीटेक में क्या डिफरेंस है। वैसे इन दोनों के अलावा
मार्केट में और भी आपको मिलेंगे, मैं इन फ्यूचर जो भी वीडियोस बनाऊंगा उसमें कवर करने का ट्राई करूंगा। DWR कोटिंग होती है, बहुत अलग अलग तरह के वाटर प्रूफिंग होते हैं, वो सब भी मैं आपको कवर करके बताऊंगा डेफिनेटली। एंड फाइनली एट द एंड मैं शूज़ का प्राइस बता देता हूँ। इस शूज़ का नाम है हताना, इसका प्राइस है 11,000 और इसका नाम मैं भूल गया क्या नाम था, बट इसका प्राइस है 13,000 ओवर आउट।